बार बार तोल लो उसको, बार बार जब उसका चिंतन करोगे, उस बात का मनन करते रहोगे, उस बात में से ऐसे ऐसे सार वस्तु निकलती जाएंगी कि समुद्र मथा जी तो 14 रत्न निकले थे, लेकिन इंसान अपना मंथन करता है तो करोड़ों रत्न निकलते हैं उसमें। वो रत्न तो बाहर के संसार में काम आए, मुक्ति देने वाले नहीं है, लेकिन इंसान के आत्म मंथन में जो रत्न निकलेंगे, वो एक एक रत्न उसको इतना लाभ देगा कि जिसका वारा पार ही नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता उनका। वो तो किसी को दिखाई नहीं जाएंगी, इसलिए स्थूल चीज को तो बाहर की आंख देख लेंगी, इंद्रिय देख लेंगी, लेकिन आंतरिक जो चीज होगी, जो सही ज्ञान है, जो अनुभव है, वो सिर्फ महसूस किया जाएगा, वो गुंगे का गुड़ होगा। ये सार वस्तु है। करोगे कैसे? नित्य प्रति का टेम बनाओ, जो नाम मिला है अभ्यास कमाओ। नित्य प्रति जब अभ्यास करते चले जाओगे ना, तुम्हारे मन में उसके पर, अरे तुम बनावटी चीजों को करते हो। अभ्यास करते करते तो पंडित लोगों को यज्ञ हवन करते देखे होंगे, तुम आरतियां बीनतियां मंदिरों में देखे होंगे करते हुए, उनको याद होती है, मुंह से मंत्रों उच्चारण करते रहते, कहीं दीप जला दिया, कहीं धूप बत्ती जला दी, कहीं दूसरे कहते तो वो कर, इशारा कर दिया, आप उनको बोलता रहता है। अभ्यास करते करते उस चीज का उनको इतना हो जाता है कि वो उसके साथ साथ दूसरा काम भी करते रहते हैं। इसीलिए संतों ने सहज मार्ग क्यों बताया कि संसार में रहते हुए, संसार के काम करते हुए तुम्हारी वृत्ति हमेशा वहां लगी रहे, जिसको संतों ने बहुत अच्छे ढंग से क्या कहा कि बैठे उठे खड़े उतारे कहे कबीर हम उसी ठिकाने। बैठते उठते सोते जागते खाते पीते चलते काम करते हुए उसी में वृत्ति तुम्हारी, एक बार अगर एक बार भी तुमने अपनी वृत्ति को टिका दिया, वहीं टिकी रहेगी। काम करते रहोगे वहीं जाके लग जाएगी, तुम बार बार उसको हटाना चाहोगे नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? कि उसने उसकी रसाई प्राप्त कर ली, उस मार्ग को अपना लिया, उसने उसको जान लिया। यहां तो मैं अजीब बात देखता हूं, कुछ लोग आते हैं वो तो इतनी तक आके कह देते हैं कि मैं तो नाम भूल गया। कमाल की बात है, नाम भूल गया। या फिर कहते हैं जी मैंने तो गलती कर दी, माफ कर दो। क्या गलती करी भाई? क्या गलती करी? जो बाहरी चीज है, कोई शराब पी लेता है, कोई और गंदा कर्म कर लेता है, कोई हुक्का बीड़ी पी लेता है, ये तो चीज ऐसी है जो बहुत आसान है छोड़नी। अरे इससे टेढ़ा काम तो मन के साथ लड़ाई करनी है। घर में झगड़ा भारी सा दो, घर में झगड़ा भारी, इस घर में बहुत भारी बड़ा झगड़ा है, इसमें काम क्रोध मन मद मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो नित्य प्रति अपना दाव चलाती रहती हैं। आत्म बिचारी छोटी सी है, जब नंगारों की थाप लगती हो वह तूती की आवाज को कौन सुनता है, दबके रह जाती है उसकी आवाज। इसलिए संतों के सानिध्य में जाके, संतों के संग में जब हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर उन नंगारों की परवाह नहीं होती, वो अपने आप बंद हो जाते हैं, वो नकार खानों के ताले बंद हो जाते हैं उनको, वो नहीं बजते। वो जब तक बजते हैं जब तक हमारी वृत्ति संसार में फैली हुई है। सतगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतगुरु को समर्पण करके देखो, सतगुरु के बन के देखो। सतगुरु के बनते नहीं हो तुम, बनते हो अपने लालच के। तुम्हारा जो लालच पूरा करता है, चाहे वो कुछ भी गिरे से गिरा आदमी हो, तुम उसके पैर पकड़ लोगे, उसके आगे गिड़गिड़ाओगे। संसार की चीजों को पाने के लिए तुम पता नहीं क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन वो क्या देगा? संसार के छोटे मोटे पदार्थ। अरे सतगुरु जो मुक्ति का दाता है, सतगुरु जो तुम्हारे जन्म मरण से छुटकारा दिलाता है, इस जीवन में सुखी नहीं है कोई भी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी पाप पुन धर कंधे, भाई बंधु कुटुंब परिवार जन्म जन्म के बंधे, कहें कबीर सोए पार उतर गिर हर हर नाम जपन दे। पार वही उतरेंगे जिन्होंने हर को अपना बना लिया। तो तुम
सतगुरु के अगर बन जाओगे तो सतगुरु तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन बीमारी तो ये हम सतगुरु के नहीं बनते, सतगुरु को तो हम बेवकूफ समझते हैं। हम तो मन किसी और को दे रखा है, दिखावा सतगुरु का करते हैं, सतगुरु बेवकूफ है तुम्हारा बन जाएगा। तुम थोड़ा दिखावा करते हो तुम्हारे से ज्यादा दिखावा कर देगा। लेकिन देखो हम तो परमात्मा को फिर कहां बख्शेंगे, परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं, फिर हमें परमात्मा की जरूरत कहां है। परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो परमात्मा की संतान से प्यार करना सीखो, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो संदेश लेके आए हैं, उनके जो मैसेंजर हैं, उनसे दोस्ती करो, वो तुम्हें मिलवा देंगे, एक पल की देर नहीं लगेगी। संसार को अपना ना मानो, मैंने कहा था शुरू में सराय है, जगत सराय है, जीव मुसाफिर है, कोई नहीं टिकना, सबको जाना है। मुसाफिर आते हैं, कौन टिकता है, सुबह को उठ के चले जाते हैं, रात गुजारते हैं, सामान जो उसमें है उसका उपयोग करते हैं, सामान बांध के नहीं लेके जाते वो, और रुकते भी नहीं है उसमें, सदा के लिए खाली करनी पड़ती है। प्रेमियों, इससे बढ़कर संसार कुछ नहीं है। इसीलिए कहा कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। अगर तुम सुरत शब्द को पहचान लोगे, नाम को जान लोगे, तो जगत झूठा अपने आप नजर आएगा। ये सच्चा नहीं है, जो सच्चा खुद नहीं उसमें सच्चाई भी नहीं है। सच्चा है तो मालिक का नाम है या मालिक खुद है, इसीलिए वो पूर्ण कहा गया है, और उसको जानने वाले को पूर्ण कहा गया है। उसके जानने वाले से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें भी जना देगा और तुम्हें भी अपना जैसा बना देगा और संसार से मुक्ति दिला देगा। तो ये संदेश था सतगुरु का आज 84वें जन्मदिन पर। सत्संग रोजाना सुनते रहते हो, लेकिन सुन के उसको बेकार ना किया करो। सत्संग में जाते हो गौर से सुनो, एकाधी चीज को अपनाना भी सीखो, फिर मेरे पास आना अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदलता है तो। लेकिन धोखा मत दो, दूसरे को धोखा देने से पहले तुम अपने आप को देते हो, दूसरे का नुकसान करने से पहले अपने आप को मार चुके होते हो, दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने से पहले अपनी रूह की आत्मा का, अपने अच्छे विचारों का कत्ल कर बैठते हो तुम, शमशान घाट बना रखे। और ये संसार और कुछ नहीं है, शमशान घाट है। इसमें देखो पीढ़ियों से मरते आए हैं, सब यहां दफन होते रहे इस मिट्टी में, खेल है ये। जो अजर अमर अविनाशी चीज है उसको जानने का प्रयास नहीं करते हम, तो मिट्टी का जो खिलौने बना रखे उन खिलौनों से प्यार करते हैं। मिट्टी के खिलौने तड़क जाएंगे, टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, नहीं रहने वाले। तो मीराबाई ने सही कहा कि ऐसे बर का क्या भरूं जो जम है और मर जा, भर भरूंगी सावड़िया का चुड़ला अमर हो जा। हम ऐसे बर को वर के खुश होते हैं कि मुझे पति मिल गया, मुझे सुहाग मिल गया, मुझे चूड़ा मिल गया, मुझे बिंदी मिल गई, मेरा रक्षक मिल गया जिसके साथ जीवन बिताऊंगी। लेकिन वो साथ निभाने वाला नहीं है, अंत सहाय नहीं है वो, कोई दुख नहीं बटाने वाला है, दुख देने वाला है। उसको पति बनाओ जो कभी धोखा ना दे, सदा के लिए सुहागन हो जाओ। सदा सुहागन बनने के लिए एक ही चीज है, उस नाम की कमाई करो, मालिक को पाओ और मालिक के बन जाओ। प्रेमियों, मैंने सतगुरु से यह सीखा, मैं आपको कोई गुरु पीर बन के दीक्षा नहीं दे रहा, ना ही आपको कोई उपदेश कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ सतगुरु की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जो बात मेरे पास नहीं है। मैं ये बात सच्चाई से कहता हूं, ये मेरी बात नहीं है, जो भी मैं बोलता हूं सतगुरु बोलता है। और बात कहूंगा तो तुम्हें इस बात का शायद अफसोस भी होगा, मैं कहना भी नहीं चाहता, कितने ऐसे हादसे हुए हैं, कितने ऐसे हादसे हुए हैं मेरे साथ। क्यों मैं कहूंगा तो मुझे डर लगता है कभी बंद ना हो जाए। सतगुरु ने प्रकट होके मुझे बताई, जब भी कोई ऐसी बात होती है मुझे भ्रम होता था, ना मेरी स्वप्न की हालत होती थी, ना जागृत की हालत होती थी, और बिल्कुल प्रकट होके कहते थे। मैं घंटों तक ये बात सोचता था, पूरी पूरी रात उसमें बीत जाती, मुझे पता नहीं चलता मेरी नींद थी
या वो सपना था, ध्यान की अवस्था नहीं थी वो। लेकिन मैं उसको ध्यान की अवस्था से भी अच्छी मानता था कि वो सतगुरु के संग से बढ़ के और क्या होता है। अब इस हालत में तुम बैठे हुए जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते हुए, इससे बढ़ के तुम्हारे लिए क्या अवसर होगा? तुम्हारा ध्यान किसी चीज में नहीं है, वो तो अभ्यास से भी बढ़ के वक्त बीतता है। तो मैं सोचा करता कि भाई देह रूप तो सदगुरु का गायब हो चुका है, फिर ये ऐसी बात तेरे साथ क्यों होती है? क्यों होती है मेरे साथ ऐसी? किसी को नहीं बताई। आज ये जन्मदिन पे मेरी जबान पे आ गई, एक बार नहीं मेरे साथ हजारों बार हुआ, लेकिन वो मेरा भ्रम निकाल दिया। और वो भ्रम निकाला कि वो नहीं बताऊंगा, वो फिर भी गुप्त रखूंगा जो कया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि जिसका दो यार उसके पास आता हो और वो किसी को बता दे कि उस टाइम मेरा यार मेरे से मिलने आता है, तो फिर गलत हो जाता है, लोग आने नहीं देते, उसको रखवाली करते हैं, या और कोई भूल चूक या उससे कोई घमंड अभिमान ना आ जाए। बस इतनी विनती है सदगुरु से मेरी कि जीवन में कोई बुरा काम ना हो, और हो तो मेरा नहीं होगा, वो भी सतगुरु का होगा, क्योंकि सतगुरु के निमित्त होके काम करता हूँ। प्रेमियों, आपको भी मैं यही कहता हूँ कि सतगुरु के ऐसे हो जाओ कि वो तुम्हें बेके तो बिक जाओ। परमात्मा तो गुलाम बन के आता है, वो तो कहता है पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं, हजाम हाकूं, बैल बनूं, गढ़वाला बिन तनखा का रथवान। परमात्मा ने ये काम किए हैं, वो कहता है कि तू मेरा बनके तो देख, मैं तेरे लिए क्या क्या करूंगा, तेरे पग धोऊंगा, बिस्तर बिछाऊंगा, पैर दबाऊंगा, तेरा गढ़वाला भी बन जाऊंगा, तेरी मालिश भी करूंगा, तेरा सारे काम करूंगा। किसके नहीं किए? पग धोए, सुदामा में क्या ताकत थी, कृष्ण जी के पास गए, मिट्टी उतारी, पैर धोए पानी से। परमात्मा ने धोए किसने? श्री कृष्ण जी को परमात्मा का रूप मानते हैं कि नहीं? आप कहा कि पग धोऊं दाबूं, बोले कि आप खाट पे लेट जाओ। रुक्मणी से बोला कि कोई दखल नहीं देना कि मैं उनके पैर दबाता हूं, उनका बिस्तर बिछाया, नौकर बन के काम किया, सैन भगत के लिए नाई बन के काम किया, नरसिंह जी के लिए वो गढ़वाला बन के गया, अरे अर्जुन के लिए रथवान बन के लड़ाई में रथ पे चलाया। क्या परमात्मा की बात करोगे, भूले बैठे हो। हम अगर हम दूर बैठे हैं, वो हमारे से दूर नहीं है। सतगुरु हमें कैसे छोड़ सकता है? सतगुरु को अपना बनाना तो सीखो एक बार, जरा उतरो उन मन की गहराइयों में, त्यागो इन संसार के पदार्थों का मोह, और फिर देखो अंदर में क्या तमाशा है, क्या खेल है। धन्य हो जाएगा जीवन अगर जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो। निरर्थक तो बना ही रहे हो, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सार्थक बनाओ, जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब निकले, किसी का कोई काम हल हो। दुनिया के झगड़े पछड़े में पड़ के तो क्या है, ये तेरा है, ये मेरा है, आज उसका ले लिया, आज उसका दे दिया, क्या है? मिट्टी को उठा के इधर से उधर रख रहे हो, उधर से उधर रख रहे हो, खा रहे हो मिट्टी, खा रहे हो, एक थोड़ी मिट्टी है तो एक कड़वी है थोड़ी, बाहर निकालते हो तो एक ही मिट्टी निकलती है बुरी बनके, पाखाने के रूप में वो मिट्टी बनके निकलती है, उसमें पहचान नहीं कर सकते मिट्टी मिट्टी का है या ये खट्टी मिट्टी का है। अरे तो तुम तो चीजों का फिर मिट्टी बनाने की मशीन और क्या हो? मालिक के नाम को लेके उसकी कमाई करो, उससे अनुभव होगा, उससे सार वस्तु मिलेगी। लेकिन वो यहां नहीं है। लाल समुद्रा पावे कोई मर जीवा खोज लावे, जो रोजाना मर मर के जीने वाला होगा ना उसको मिलेगा ये। दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, संसार को भी चाहो और मालिक को भी मिल जाओ। लेकिन ये छूट मिल गई कलयुग में, थोड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी, गुजरना पड़ेगा थोड़ी परेशानियों से,
मालिक ने खुद कही है कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं नाल। कि उसको ताऊंगा तपाऊंगा, कष्ट दूंगा, दुख दूंगा और ऐसी हालत भी कर दूंगा कि नखों से उसकी खाल को भी फाड़ दूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो एक पल में निहाल कर दूंगा, पल की देरी नहीं लगाऊंगा। वो कोई स्वर्ग वासी बैकुंठ वासी पाताल में नहीं रहता, तुम्हारे अंग संग हरदम पास में रहता है। तो जिसके पास में रहते हुए और आंख मिचौनी का खेल खेलते हो, वो कहता है इन आंखों से नहीं, जो ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, अनुभव की आंख है, उसका ज्ञान सतगुरु से मिलेगा, उसको हासिल कर और फिर मुझे पा। तो रास्ता सारंग में है दिलवर पे जाने के लिए, उस सारंग के रास्ते से उस दिलवर को पाने के लिए उस रास्ते पर चलो प्रेमियों, जरूर मिलेगा, दावे से कहता हूं। सतगुरु की कृपा है, आशीर्वाद है आप सबके प्रेमियों के लिए कि उस नाम को ऐसी कमाई करो कि तुम्हें स्वप्न में, सुसुप्ति में, जागृत अवस्था में, हर काम में सतगुरु ही सतगुरु नजर आए, सतगुरु ही सतगुरु नजर आए, गुरु रूप हो जाओ। यही संदेश है, यही सत्संग है, यही अभ्यास है और यही नाम है, यही कमाई करनी है। नहीं तो इस जगत सराय में अगर भटके खाओगे, जब तक टाइम है, ज्यादा नहीं रुकने देगा सराय का मालिक, फिर निकाल देगा, धक्के देके निकाल देगा कि चल यहां से। तो प्रेमियों, टाइम काफी हो गया, सत्संग बहुत बताया, सतगुरु की बड़ी कृपा हुई। मानना ना मानना, अपनाना, अच्छा लगे तो जरूर अपनाना, ना का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप इतनी तकलीफ उठा के इसी काम के लिए आए हो, तो मालिक आपको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, भक्ति में रुचि दे, दिन प्रतिदिन आपकी निष्ठा श्रद्धा विश्वास को बढ़ाए और आप और अधिक और अच्छे काम करो, आपका जीवन सफल हो और इसी जीवन में आप मुक्त हो जाओ, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ।